गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट क्लास में अपन अंडरस्टैंडिंग बर्ड पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4। प्रीवियस क्लास में अपन ने बर्ड्स के फेदर्स पढ़े थे, 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स, बॉडी फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स एंड डाउन फेदर्स। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक था हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं। बर्ड्स फ्लाई विद हेल्प ऑफ देयर विंग्स, मेन 2 वेज थे, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। नेक्स्ट था बर्ड्स की बीक्स, बर्ड्स की बीक्स के अकॉर्डिंग उनको डिवाइडेशन किया था, कर्व्ड बीक, चिसल लाइक बीक, स्पेयर लाइक बीक, क्रैकर बीक, लॉन्ग थिन एंड पॉइंटेड बीक, शॉर्ट शार्प एंड हुक बीक, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक एंड लास्ट था स्पून बीक। अब आता है अपना टॉपिक फीट एंड क्लॉज। लाइक द डिफरेंट शेप ऑफ द बीक्स, बर्ड्स आल्सो हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ फीट एंड क्लॉज। जैसे बर्ड्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं, उसी तरह से उनकी बीक्स भी डिफरेंट शेप्स की होती है। इसी तरीके से बर्ड्स के साइज, बर्ड्स का साइज भी डिफरेंट होता है, अलग अलग डिफरेंट साइज के बर्ड्स के डिफरेंट साइज के शेप्स होते हैं, फीट होते हैं और क्लॉज होते हैं। बर्ड्स यूज देयर फीट एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड ईट फूड। दे आल्सो हेल्प देम इन वॉकिंग, क्लाइंबिंग, रीचिंग एंड स्विमिंग। बर्ड्स अपने फीट का यूज, क्लॉज का यूज किसके लिए करते हैं? कैच, होल्ड और अपने फूड को खाने के लिए करते हैं। दे आल्सो हेल्प देम इन वॉकिंग, और इसके साथ में फीट और क्लॉज उनके किसकी किस में हेल्प करते हैं? वॉकिंग, क्लाइंबिंग, प्रीचिंग और स्विमिंग में। इसी अकॉर्डिंग फीट एंड क्लॉज के बेस पर हम बर्ड्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्रीचिंग बर्ड, सेकंड है क्लाइंबिंग बर्ड, थर्ड है प्रेइंग बर्ड, फोर्थ है स्विमिंग बर्ड, 5 है स्क्रैचिंग बर्ड एंड देन वेडिंग बर्ड। फीट एंड क्लॉज के अकॉर्डिंग हमने इन बर्ड को डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीचिंग बर्ड। बर्ड्स लाइक स्पैरो, क्रोज एंड गोल्डफिंच हैव 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 एट द बैक। बर्ड्स लाइक कौन से बर्ड्स? स्पैरो, क्रोज एंड गोल्डफिंच। इनके क्या होते हैं? 3 टोज आगे यानी फ्रंट की तरफ होते हैं और 1 एट द बैक और पीछे की तरफ 1 होता है। They use their front toes to grip the branches of trees or wires and back toe to lock around the branch. जो आगे की front toes है वो grip करते हैं branches को, tree की branches होती है उनको grip करने में easily help करते हैं। Trees or wires and back toe to lock around. जो trees हैं उनके wires हैं उनको back का जो toe है वो lock करके रखता है branch को। This is called preaching bird. इसको हम कौन सा बर्ड कहते हैं? प्रीचिंग बर्ड। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग बर्ड। बर्ड लाइक पैरट्स एंड वुडपेकर्स हैव 2 टोज पॉइंटेड अपवर्ड एंड 2 टोज पॉइंटेड डाउनवर्ड्स। बर्ड्स लाइक कौन से बर्ड्स? क्लाइंबिंग बर्ड्स में कौन से हैं एग्जांपल? पैरट, वुडपेकर, ये जो बर्ड्स हैं इनके क्या टोज क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं अपवर्ड्स की तरफ और 2 टोज पॉइंटेड डाउन, मतलब 2 तो अपवर्ड्स की तरफ होते हैं पॉइंटेड टोज और 2 टोज पॉइंटेड डाउनवर्ड्स होते हैं। दीज टोज हेल्प देम टू क्लाइंब अप एंड टू होल्ड द बार्क ऑफ द ट्रीज। जो ये टोज है उनकी हेल्प करते हैं क्लाइंब करने में यानी ब्रांच को पकड़ने में। देखो इस बुक में दिख रहा है किस तरह से इस पैरट ने ट्रीज की ब्रांच को क्लाइंब कर रखा है, सेम इस तरह से लुक एट दिस पिक्चर। पैरट ने ट्री की ब्रांच को किस तरह से क्लाइंब कर रखा है? इसी तरीके से। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? क्लाइंबिंग बर्ड्स। नेक्स्ट आता है प्रेइंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक्स एंड आउल्स हैव एवरी स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज। बर्ड्स कौन से? ईगल्स, हॉक्स एंड आउल्स। इनके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज होते हैं। देयर क्लॉज आर कॉल्ड टैलोंस। इनके क्लॉज को हम क्या कहते हैं? टैलोंस कहते हैं। They use them to catch and hold their prey firmly. ये claws इनकी किस में help करते हैं? Catch करने में, hold करने में, ताकि ये easily तरीके से
किसी भी चीज को आराम से पकड़ सके। नेक्स्ट आता है स्विमिंग बर्ड। बर्ड्स लाइक डक्स एंड पेंगुइन हैव वेब्ड फीट विद 3 toes इन फ्रंट एंड 1 at back। बर्ड्स कौन से? स्विमिंग बर्ड में कौन से बर्ड्स आते हैं? डक्स और पेंगुइन। इनके क्या फीट कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं और 3 toes होते हैं फ्रंट की तरफ और 1 back में होता है। देयर फ्रंट टोज आर जॉइंट बाय थिन स्किन कॉल्ड वेब। जो इनके फ्रंट टोज होते हैं वो ज्वाइन करे हुए होते हैं स्किन से, इसी को वेब कहते हैं। इसलिए स्विमिंग बर्ड कौन से होते हैं, उनके बर्ड्स स्विमिंग बर्ड्स के फीट कैसे होते हैं? वेब्ड फीट होते हैं। लुक एट दिस पिक्चर ऑन योर बुक। देखो इनके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आता है स्क्रैचिंग बर्ड। बर्ड लाइक हैंड्स एंड रूस्टर हैव स्ट्रॉन्ग फीट विथ 3 toes इन फ्रंट एंड 1 at back। बर्ड्स जैसे हैन रूस्टर, इनके क्या होते हैं फीट? बहुत स्ट्रांग होते हैं। हैन देखी ना आपने, मुर्गी को देखा कभी आपने अपने आसपास में? कभी तो देखा ही है मुर्गी को। उनके जो फीट होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और 3 toes होते हैं फ्रंट की तरफ और 1 एक बैक की तरफ। ईच टो हैज शार्प एंड हार्ड क्लॉज टू स्क्रैच। जो इनका ईच टोज है वो बहुत कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, हार्ड होते हैं, ताकि वो किसी भी चीज को स्क्रैच कर सके, यानी कि खुरच सके। द ग्राउंड इन सर्च ऑफ सीड एंड वर्म्स, ताकि वो उसमें किसके लिए हेल्प करते हैं? ग्राउंड में से स्क्रैच करके सीड्स को या बीज को निकाल ले या कीड़ों को निकाल सके। नेक्स्ट है लास्ट वेडिंग बर्ड्स। बर्ड्स लाइक क्रेन्स हेरॉन्स हैव लॉन्ग लेग विद वाइड स्प्रेडिंग टोज। जो बर्ड्स होते हैं कौन से, क्रेन्स और हेरॉन्स, इनके क्या लेग्स कैसे होते हैं? लंबे लेग्स होते हैं, वाइड होते हैं, स्प्रेडिंग टोज होते हैं। देयर लेग्स प्रिवेंट देम फ्रॉम स्नीकिंग इनटू द मड एंड इन शैलो वाटर। ये जो मडी वाटर होता है, शैलो वाटर होता है, उनमें इजिली स्टैंड कर सके। और द वाइड स्प्रेडिंग टोज, जो वाइड स्प्रेडिंग टोज है उनके, वो हेल्प करते हैं किसमें? वाटर में से सर्च करके फूड को निकाल सके। इजीली ये वाटर में स्टैंड कर सकते हैं। वेयर डू बर्ड्स लिव? अब आता है अपना टॉपिक, बर्ड्स कहाँ रहते हैं? बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड रेज देयर यंग वंस। बर्ड्स क्या बनाते हैं? नेस्ट बनाते हैं, उसी में अपने एग्स देते हैं और फिर ये एग्स, एग्स में से क्या निकलते हैं? यंग वंस, उनके छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ब्रांचेस। बर्ड्स मेनली नेस्ट कहाँ बनाते हैं? ब्रांचेस पे, ट्री की ब्रांचेस होती है उन पर नेस्ट बनाते हैं। इन द ट्रंक ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज की ट्रंक होती है उस पर भी बनाते हैं। ऑन ग्राउंड, कुछ बर्ड्स ग्राउंड पर, कुछ रूफ टॉप पर, कुछ ओल्ड पुरानी बिल्डिंगों में। मोस्टली पीजन्स वगैरह जो होते हैं वो ओल्ड बिल्डिंग्स में अपना घर बनाते हैं या नेस्ट बनाते हैं। दे यूज लीव्स, ट्विंग्स, फेदर्स, वूल एक्सेट्रा टू मेक नेस्ट। और नेस्ट बनाने के लिए वो क्या यूज करते हैं? पत्तों का, पंखों का, जो वूल होती है उसका यूज करते हैं, उससे मिलाकर ये नेस्ट बनाते हैं। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट। अलग अलग बर्ड्स होते हैं, उनके शेप अलग होते हैं, बीक्स अलग, उसी तरीके से डिफरेंट टाइप के नेस्ट होते हैं, डिफरेंट बर्ड्स होते हैं और उनके नेस्ट बनाने का, मेकिंग का तरीका भी डिफरेंट होता है। अब आता है टेलर बर्ड। अब देखो टेलर बर्ड अपना किस तरह से नेस्ट बनाता है। टेलर बर्ड यूज इट बीक लाइक अ नीडल टू स्टिच द लीव टुगेदर विद प्लांट फाइबर टू मेक इट नेस्ट। टेलर बर्ड कैसे बनाता है? अपनी जो बीक होती है, जो उसकी बीक कैसे होती है? नीडल की जैसे, बिल्कुल सुई की जैसी होती है, उसको स्टिच करके, जो लीव्स होती है उनको स्टिच करता है साथ में प्लांट के फाइबर को, उस से मिलाकर वो नेस्ट बनाता है। पेज नंबर 34, यू लुक एट दिस पिक्चर, टेलर बर्ड किस तरह से अपना नेस्ट बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है वेवर बर्ड। अ वेवर बर्ड यूज ग्रास एंड लीव्स टू वेव द नेस्ट। जो वेवर बर्ड होते हैं वो ग्रास और लीव को यूज करके नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट लुक लाइक अ बॉटल हैंगिंग। जो इनका नेस्ट होता है वो कैसे होता है? जैसे बॉटल को लटका दिया हो,
नीचे की तरफ देयर इज एन ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट फॉर द बर्ड टू एंटर. जो ओपनिंग होती है वो बॉटम की तरफ होती है ताकि बर्ड्स एंटर कर सके. फिर आता है वुड पैकर. वुड पैकर यानी खाती चिड़ा. वुड पैकर मेक्स अ होल इन द ट्रंक ऑफ ट्री. ये देखो दिस पिक्चर, वुड पैकर ने होल कर दिया है ट्रीज के इस तरह से, क्योंकि उसकी जो चोंच होती है उसको खुरच खुरच के वो इस तरह का नेस्ट बनाता है, होल करता है ट्रीज के ऊपर. होल इन द ट्रंक ऑफ ट्री विथ इट्स पॉइंटेड बीक. जो उसकी पॉइंटेड बीक होती है उसकी हेल्प से वो ट्रंक में होल करता है. इट यूज दिस होल एज इट नेस्ट. ये होल ही उसका नेस्ट होता है. नेक्स्ट है पेंगविन. पेंगविन मेक्स नेस्ट ऑन ग्राउंड बाय गैदरिंग स्टोन एंड पेबल्स. जो पेंगविन है अपना नेस्ट ग्राउंड पे बनाते हैं, और किसको इकट्ठा करके, स्टोन और पेबल्स को इकट्ठा करके. देखो लुक एट दिस पिक्चर, पेंगविन अपना घर स्टोन और पेबल्स को कलेक्ट करके बनाता है. बर्ड्स टेक केयर ऑफ द यंग वंस. बर्ड्स अपने जो यंग वंस हैं उनकी टेक केयर कैसे करते हैं. द बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट. बर्ड्स जो अपने एग्स है वो नेस्ट में देते हैं. वन ऑफ द पेरेंट्स सिट ऑन दैम टू गिव वार्म अदर प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज. जो बर्ड्स के बेबी होते हैं, बर्ड्स के जो पेरेंट्स होते हैं, बेबी के पेरेंट्स होते हैं, वो उसके प्रोटेक्ट करते हैं एनिमी से. आफ्टर सम डे द बेबी बर्ड हैचेस आउट फ्रॉम एग्स. कुछ समय बाद में जो एग्स होते हैं वो निकलकर छोटे बेबी की तरह बाहर निकलते हैं, उसको हम हैचिंग कहते हैं. दिस इज कॉल्ड हैचिंग. द बेबी बर्ड आर वीक. जो बेबी बर्ड होता है बहुत वीक होता है बर्थ के समय. उसके फेदर्स नहीं होते, दे डू नॉट हैव फेदर्स व्हेन बॉर्न. जब छोटा बेबी बर्थ करता है उस टाइम वो बहुत वीक होता है और उसके फेदर्स नहीं होते हैं. द पेरेंट्स फीड देम एंड लुक आफ्टर देम फॉर सम डेज. जो उसके पेरेंट्स होते हैं बेबी बर्ड्स के, उनको वही उसकी लुक आफ्टर करते हैं कुछ दिनों तक. When the baby birds grow, जब बेबी बर्ड ग्रो कर लेता है, डेवलप हो जाता है, उसके फेदर आ जाते हैं, दे लर्न टू फ्लाई. वह फिर क्या उड़ना सीख जाता है और अपना भोजन खोजने लग जाता है. ओके, थैंक यू.